अरे ये क्या गाइस, ये तो गॉडज़िला मॉन्स्टर हमारे सिटी के अंदर आ चुका है। तो एक और नई सुबह गाइस, और आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे गेम के अंदर एक नई सुबह हो चुकी है। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं हूं एक बस चलाने वाला ड्राइवर, और मेरा यहां पर खुद की बस है, और सामने की तरफ मेरी यहां पर बस पड़ी है। तो मुझे करना क्या गाइस, आज जाकर सबसे पहले मुझे अपनी बस को रिपेयर कराना है, एंड फिर चलूंगा मैं यहां पर सवारी को लेने। तो यहां पर मेरी पीली कलर की बस पड़ी है, तो अभी मैंने अपनी बस के अंदर आकर बैठ चुका हूं, एंड अभी मैं इसको लेकर जाने वाला हूं इसको रिपेयर कराने के लिए। आज मैं इसका कलर भी चेंज कराने वाला हूं, एंड थोड़ा बहुत सोच रहा हूं कि इसके अंदर मॉडिफाई भी करवा दूं। थोड़ा बहुत इसके अंदर लाइटिंग की कमी है, तो लाइटिंग भी करवा दूंगा, क्योंकि गाइस इसकी जो आगे वाली हेडलाइट है ना, वो हेडलाइट खराब है। तो रात के समय में हम जब यहाँ पर सफर करेंगे ना, तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आज मैं जाने वाला हूँ अपनी बस को यहाँ पर रिपेयर कराने के लिए, एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने सफर के यानी कि सवारी को लेने के लिए। तो यहाँ पर फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ पर शॉप के ऊपर, जहाँ पर कि मुझे अपनी बस को रिपेयर कराना है। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, एंड अभी मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा रामू काका को, जो कि हमारी बस को रिपेयर करने वाले। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बस थोड़ी बहुत ओल्ड हो चुकी ना, तो अभी मैं इसका कलर चेंज कराने वाला हूँ सबसे पहले। एंड इसको मैं कौन से कलर के अंदर कन्वर्ट करूंगा पता है, मैं इसको व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट कराने वाला हूँ, जिससे काफी ज्यादा खतरनाक लुक देगी, एंड रात के टाइम में चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ताकि ये ना ये विजिबल कलर होता है ना व्हाइट कलर, इसलिए व्हाइट कलर कहीं भी दिख जाता है हमें, तो इसलिए मैं इसको व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट कराने वाला हूँ। एंड अभी मैंने अपनी बस को यहाँ पर खड़ा करना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के अंदर रामू काका के जो भी आदमी आएंगे ना, वो इस बस को मॉडिफाई कर देंगे। तो चलो यार थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, रामू काका से बात कर लेता हूँ मैं। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने बस एक घंटा वेट किया, एंड एक घंटे के अंदर हमारी यहाँ पर बस को रिपेयर कर दिया है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, एंड इसकी हेडलाइट जो टूटी हुई थी ना, उसको भी यहाँ पर रिपेयर कर दिया है। तो हमारी बस यहाँ पर पूरी तरह मॉडिफाई हो चुकी है, एंड अभी आप लोग इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो ये चलने के लिए एकदम रेडी है, अब हम इसके रोड के ऊपर उतार सकते हैं, एंड इसके अंदर सवारी को बिठा सकते हैं। तो मुझे अब जाना है अपने, कहाँ जाना है, बस स्टैंड के ऊपर, एंड वहाँ पर जाकर मैं अपनी बस को लगा दूंगा। फिर यहाँ पर पैसेंजर आएंगे और हमारी बस के अंदर बैठ जाएंगे। गाइस यहाँ से बस अड्डा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बहुत ही पास है। जो हमारा शोरूम है ना, वो शोरूम के सामने ही है ना अपनी बस को मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, एंड वहाँ से हमें काफ़ी सारे पैसेंजर मिल जाएंगे, जिससे कि यार हमारी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहुँचने ही वाला हूँ, एंड आप लोग देख सकते हैं बातों में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, एंड सामने की तरफ हमें देखने को मिल चुका है शोरूम। तो बस मुझे इसके आसपास में अपनी बस को लगाना है। ज़्यादातर जितने भी बस ड्राइवर होते हैं ना, वो सारे के सारे अपनी बस इधर ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर ज़्यादा मिलते हैं उनको, ताकि यार उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यार यहाँ से मेरी इनकम भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, एंड अभी मुझे कुछ करना नहीं है, बस अपनी बस को लगा देना है। लोग अपने आप आएंगे जिसको जहाँ जाना है। एंड मैं आप लोग बता दूँ कि हमारी बस है ना अहमदाबाद से लगाकर गुजरात से लगाकर भाई कहाँ कहाँ जाती है, एकदम खतरनाक टूर कराती है हमारी बस। अब कैसे यार मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी बस को यहाँ पर लगा देना है, एंड पैसेंजर अपने आप आएंगे एंड हमारी बस के अंदर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बस को अच्छे से लगा देता हूँ, एंड बस मैं एक काम करता हूँ, जब तक पैसेंजर सामने से आएंगे, उससे पहले सामने गर्ल देखने को मिल रही है ना, मैं उस मैडम से पूछता हूँ उसको कहाँ जाना है, एक बार उससे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, आपको कहाँ जाना है? हमारी बस यहाँ पर अहमदाबाद से लगाकर मुंबई थाने तक जाती है, आपको कहाँ जाना है? अच्छा आपको मुंबई जाना है, ठीक है तो आप बैठ जाइए, सामने हमारी बस लगी हुई है। तो देखा ना गाइस, मैंने आप लोगों को बोला था ना, अगर हम मैन्युअली ऐसे सामने से जाकर बोलेंगे ना किसी से कि कहाँ पे आप लोगों को जाना है, तो वो है ना ज़्यादा हमारी सवारी ज़्यादा आती है। तो सामने एक और है, उससे भी पूछ लेते हैं, इन मैडम को तो जाना है मुंबई, एंड सामने वाले से एक बार और पूछ लेते हैं उनको कहाँ जाना है, एंड बाकी मैं ऐसे ही थोड़े बहुत पूछूंगा आसपास। एंड गाइस कुछ सवारी तो ऐसे ही आ जाएगी रैंडमली, जिसको जहाँ जाना होगा ना वो अपने आप बस के अंदर आकर बैठ जाएगा। तो इन मैम से पूछ लेते हैं, हेलो मैम आपको कहाँ जाना है? हमारी बस बहुत ज़्यादा कम प्राइस के अंदर आप लोग कहीं भी टूर करा देगी। तो गाइस इनसे मेरी बात हो चुकी है, एंड गाइस इन्होंने बोला है कि इनको जाना है यहाँ पर हैदराबाद। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी देर से यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी सवारी हमारी बस के अंदर आकर बैठ चुकी है, एंड अभी हमारे यहाँ पर बस को स्टार्ट करने का टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बस को यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है, एंड चलो यार अभी अपनी बस को यहाँ पर रवाना करते हैं। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बस यहाँ पर रवाना हो चुकी है, एंड अब मुझे कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ से अपने पैसेंजर को उनकी उनकी लोकेशन के ऊपर ड्रॉप करना है। एंड गाइस अभी बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, ये छोटा सफ़र नहीं है गाइस, हम जाने वाले अपने सिटी से कहाँ कहाँ, मुंबई, हैदराबाद, थाने, भाई भाई कहाँ कहाँ जाना है यार। तो चलो यार अभी बिना देरी किए यहाँ पर अपनी बस को भी रिपेयर करा लिया मैंने। अब गाइस करना कुछ नहीं, अपनी बस को यहाँ से भगाना है खतरनाक स्पीड के अंदर, क्योंकि गाइस मुझे जल्दी जल्दी पैसेंजर को पहुँचाना है, एंड मुझे जल्दी जल्दी अपने घर पर भी वापस आना है, क्योंकि गाइस यार अभी सुबह निकला हूँ तो रात तक मैं शायद पहुँच सकता हूँ, एंड सुबह मुझे मॉर्निंग में वापस आना है अपने घर पर, फिर मैं अगले दिन रेस्ट लेने वाला हूँ, एंड उसके बाद हम जाएंगे पार्टी करने के लिए गाइस। चलो एनीवेज गाइस यार सब बातों को साइड में करते हैं, एंड अपनी बस के ऊपर फोकस करते हैं, इसको भगाते हैं फुल स्पीड के अंदर। गाइस मैं अपनी बस को यहाँ पर चला ही रहा था,
एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम रेलवे स्टेशन वाले एरिया के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर एक ट्रेन जा रही थी सामने से, इस वजह से मुझे यहाँ पर अपनी बस को रोकना पड़ा। तो यार यही हमारा रास्ता है, यहाँ से मेरी यहाँ पर बस निकाल चुका हूँ अपनी रेल की पटरी से एंड अभी मुझे यहाँ से सीधा सीधा जाना है, यानी कि जोरासिक पार्क वाले रास्ते से मुझे जाना है। अरे यार गाइस, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बस चलाते चलाते यहाँ पर रात हो जाएगी एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जोरासिक पार्क वाले रास्ते को पार करने में मुझे रात का टाइम हो चुका है यहाँ पर आप लोग देखो। और अभी गाइस यार मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज मैं एकदम सुनसान रोड पर अपनी बस को चला रहा हूँ एंड आसपास में कोई नहीं है एंड हमारे यहाँ पर पैसेंजर भी थक चुके हैं। तो अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं बीच के साइड में आ चुका हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपनी बस को थोड़ी बहुत लगा दूँ एंड पैसेंजर थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेंगे और थोड़ी बहुत सो जाएंगे। सोच रहा हूँ सुबह ही अपनी बस को रवाना करूँ, बट गाइस यार बस तो अभी रवाना ही करनी पड़ेगी, थोड़ी देर मैं यहाँ पर है ना रेस्ट लेने वाला हूँ ताकि यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ना मैं यहाँ पर बस चला चला के सुबह से। तो यहाँ पर चलो अपनी बस को यहाँ पर रोकते हैं एंड यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद अपनी बस को वापस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर दो घंटे बाद मैंने अपनी बस को वापस स्टार्ट कर लिया एंड अभी गाइस रात की 3 बज रही है समथिंग एंड अभी यार मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जब वहाँ पर मैं बीच के साइड में था ना तो मेरे यहाँ पर बस में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं आई डोंट नो, बट गाइस एक सेकंड ये क्या हुआ मेरे साथ में, भाई साहब ये मेरी बस अनकंट्रोल क्यों हो चुकी है मुझे समझ नहीं आ रहा एंड ये बस की हेडलाइट को क्या हो रहा है गाइस, आई डोंट नो गाइस ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पर मैं बस तो चला रहा हूँ बट ये हेडलाइट कैसे चल रही है और ये मेरे बस का कंट्रोल मेरे हाथ से जा चुका है गाइस, मुझे नहीं पता, मैं बस बस के अंदर बैठा हूँ और बस ऑटोमेटिक चल रही है गाइस। भाई साहब ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने आप लोगों को बोला था ना जब मैं बीच के साइड था ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, मैंने उसको इग्नोर किया बट यहाँ पर आप लोग देखो अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है एंड अभी मैं ये पानी में क्यों जा रहा हूँ गाइस मुझे नहीं पता। ओह शिट गाइस, यहाँ पर मैं बस के अंदर से कूद चुका हूँ एंड ये शिट क्या हो गया, अरे यार ये गाइस ये क्या हो गया और ये एकदम से सुबह कैसे हो गई गाइस मुझे कुछ नहीं पता एंड यहाँ पर थोड़े बहुत हाथ पैर में मेरे दर्द हो रहा है, आई डोंट नो एंड गाइस हमारी बस कहाँ पर है, भाई साहब ये बस तो हमारी पानी के अंदर डूबी पड़ी है, ये क्या हो गया गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रात को कोई पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारी बस पानी के अंदर आकर गिर चुकी है। गाइस मुझे बस इतना याद है कि रात को हमारी बस अनकंट्रोल होकर पानी के अंदर गिर चुकी थी एंड हमारे बस के पैसेंजर कहाँ गए सारे का सारे। गाइस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर, गाइस यहाँ पर मेरे साथ बहुत गलत गलत चीज़ें हो रही है, आप लोगों ने देखा रात को बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी मैंने आप लोगों को बताया था जैसा एंड उसके बाद मैंने जैसे ही ऐसा चीज़ बोला ना हमारी बस का कंट्रोल मेरे हाथ से जा चुका था एंड बस हमारी पानी के अंदर जा चुकी है एंड सारे पैसेंजर भी गायब हो चुके हैं। गाइस आई थिंक सो यार यहाँ पर जितने भी लोग थे ना हमारी बस के अंदर वो सारे सारे यहाँ पर मर चुके हैं क्योंकि पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते ना, इस वजह से वो सारे सारे डेड हो चुके हैं एंड अभी मैं घर कैसे जाऊँगा मुझे ये भी सोचना पड़ेगा। गाइस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी गलत गलत चीज़ें हो रही है। तो गाइस अगर आप लोग इसका पार्ट 2 जानना चाहते हैं ना कि आगे मेरे साथ क्या होगा तो आप लोग बस कमेंट कर देना पार्ट 2।